राम राम सारे भैया ने। भाइयों कितने की सीएनजी लगती है, कितने का खर्चा आता है, वो सारी डिटेल मैं अपनी वीडियो में देता हूँ, तो बने रहो अपनी इस वीडियो के साथ और देखो नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है। मैं तकरीबन अपनी वीडियो में भाइयों सारा सीएनजी और टोल के बारे में बताता हूँ, तो दिल्ली से कलकत्ता तक का अपना ही सफ़र रहेगा और कितना टोल कितने सीएनजी लगेंगे वो सारे वहाँ बताऊँगा। मिलते हैं सफ़र में। राम राम सारे भैया ने। तो भाइयों सुबह का टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं और हम पलवल से पहले केएमपी पे जो टोल आता है उस टोल पे खड़े हैं और टोल बहुत जाम लगा हुआ है। यहाँ पे बवाना से गाड़ी लोड हुई थी तो बहादुरगढ़ से अपना केएमपी से आए हैं दोस्तों। रात को सो गया था मैं, सुबह 5 बजे उठ के चले थे तो ये बहुत लंबा जाम लगा हुआ है दोस्तों, काफ़ी देर हो गई। मैं सोचा मैं चलो वीडियो ही शूट करके बता दें, पता नहीं भाई क्यों लगा हुआ है जाम। तो दोस्तों टोल पार करने के 2.5 किलोमीटर के बाद अपना ये कट आता है पलवल की तरफ नीचे उतरने के लिए। अब हमें जाना है आगरा, तो ये तो गया अपना फरीदाबाद के लिए रास्ता, तो हमने अगले रास्ते से हमें लेफ्ट लेना है और हमने आगरा की तरफ चलना है। तो आगे जो भी लेफ्ट आएगा उससे हम नीचे की तरफ उतर के और जो फरीदाबाद आगरा रोड है हम उसको पकड़ लेंगे। बने रहो दोस्तों वीडियो में, पूरी जानकारी मिलेगी आपको किलोमीटर की, सीएनजी की, टोल की, हर एक जानकारी मिलेगी। भाइयों ये 13 किलोमीटर के बाद टोल आया है, जैसे हम केएमपी से उतरे थे तो उसके बाद अपना ये टोल आया है, शायद होटल का है या मेरे को ये भी तो ध्यान नहीं रहता ना कौन सा टोल है, लेकिन भाइयों 13 किलोमीटर के बाद टोल आया है। कुछ इस तरह से दिखती है भाइयों आगरा सिटी। तो आगरा सिटी में हम पहुंच गए हैं, ये आगरा से निकल के 25 किलोमीटर पे ये टोल आ गया है। बुधुरिया का ये टोल प्लाजा है, बुधुरिया टोल आ गया है ये। और ये टोल आया है भाइयों 60 किलोमीटर वहाँ से चले थे और 40 किलोमीटर बाद टोल आया है भाइयों। और इसके बाद यहाँ से इटावा थोड़ी दूर रह जाता है, इटावा अभी यहाँ से जसवंत नगर है 20 किलोमीटर रहता है जसवंत नगर। तो 80 और ये भाई 340 किलोमीटर हमने सफ़र तय कर दिया है, 340 किलोमीटर का। और आगे अब देखते हैं सीएनजी कहां पर लें, क्योंकि मीटर में इंडिकेशन आ गया है सीएनजी डलवाओ भाई। लेकिन अभी इमरजेंसी के लिए मैं एक सिलेंडर बंद रखता हूं भाइयों। और आज सुबह जब चला मैं तो घर से भी अपना खाना पैक करवा के लाया था भाइयों, आज होटल पे नहीं, आज घर की सेवा लेंगे, घर के खाने की तो बात ही अलग है। और भाइयों ये मैं अपना पूरा बैग पैक करके लाया हुआ हूँ, पूरा बैग, इसमें भाई को कम से कम भी 10 जोड़ी कपड़े होंगे। भाइयों आगे हैं जसवंत नगर से 33 किलोमीटर आगे और यहाँ सीएनजी पंप है, यहाँ सीएनजी लेने लग रहे हैं भाइयों। ये डल रही है भाइयों सीएनजी अपनी गाड़ी में। तो दोस्तों जहाँ से हमने सीएनजी डलवाई थी ना वहाँ से 13 किलोमीटर के बाद ये टोल आ गया है, 145 रुपये का टोल है, 145। तो भाइयों आ गए हैं हम इलाहाबाद के आसपास, अभी मैंने देखा नहीं है इलाहाबाद कितने किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से मुश्किल से 50 से कम ही है इलाहाबाद। तो यहाँ पर हमने सीएनजी में लाइन में लगाई है गाड़ी।
इससे पहले दोस्तों हमने एक है ना 12 किलोमीटर पीछे IGL का पंप था, वहां हमने लगाई थी लेकिन वहां प्रेशर नहीं मिला, वहां 115 प्रेशर था और मेरी गाड़ी में 1160 रुपए की CNG आई, ना इधर के रहे ना उधर के। अब 12 किलोमीटर बाद ये जो पंप है ये मिला है, अब इसमें प्रेशर ठीक है, कंप्रेसर चला हुआ है, अब इसमें देखते हैं यहाँ पे कितनी CNG आएगी। भाइयों पंप में आपको पंप आपको दिखा देता हूँ मैं, देखिए ये गाड़ी लगी हुई है मेरे से आगे, बस ये भरने वाली है, बाकी ये पंप है भाइयों। ऐसा कुछ बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए भाइयों बाहर निकल नहीं रहा मैं, बड़ा ज़बरदस्त ठंड है, हवा चल रही है बड़ी ज़बरदस्त। तो भाइयों अभी अपनी गाड़ी में देखते हैं कितने की गैस आएगी, क्या है कुछ। ये देखो दोस्तों गाड़ियाँ जो खड़ी हैं यहाँ पर, आज अपना स्टे है, आज यहीं रुकेंगे, यहाँ से ये होटल है, यहाँ अभी खाना खाते हैं भाइयों। तो आज का अपना स्टे यही है दोस्तों, ये अभी इलाहाबाद से 15 किलोमीटर पहले है इलाहाबाद से, तो आज इस होटल में रुकेंगे, यहीं खाना खाएंगे।